नमस्ते। आज मार्च 20, 2021 शनिवार का दिन, आज हम लोग स्टेप 13 शुरू करने जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि स्टेप 13 में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक हम लोग इसके जो भी 2-3 पहले जो स्टेप हम लोगों ने देखा, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस अपने अवेयरनेस को, या कि कह सकते हैं जागरूकता को बढ़ाने का हम लोगों ने बताया। और जहाँ तक है, बहुत से लोगों ने इसे बहुत ही गंभीरता से इसे किया और अपने जागरूकता को बढ़ाया भी। ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे ही ग्रुप के कुछ सदस्य हैं जिनकी जागरूकता कैसी है इससे पता चलता है अपने को। कुछ सदस्य हैं जो साइलेंट मोड में, कह सकते हैं साइलेंट में रहकर अपनी जागरूकता को प्रदर्शित करते हैं, और कुछ लोग हैं जो हमारे अगले स्टेप आने के पहले ही उसके अंतर्गत जो आ सकता है, यहाँ तक कि हम लोग उनको हिंट भी नहीं देते हैं कि क्या आ सकता है, क्या बात किया जा रहा है, अगला हमारा स्टेप क्या है, उसके बावजूद भी उससे संबंधित लोग प्रश्न पूछते हैं। ये कैसे हो सकता है ना, आश्चर्य की बात। और हम लोग बाद में उनसे यही कहते हैं, बस कुछ दिन और वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। बस इस प्रकार ये उनकी प्रौढ़ता को दर्शाता है, मैच्योरिटी इसे दर्शाता है। क्या कारण है इसका? जब बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म लेते ही वो अपना स्वयं अपनी जागरूकता को वो खुद ही इंक्रीज करता है, उसे बढ़ाता है, उसे समझता है। आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होते ही माँ के स्तन को ढूंढता है। जैसे ही माँ का स्तन उसके मुंह के पास आता है, बस वह उसे चूसने लगता है। उसे मालूम है कि उसे भूख लग रहा है, उसे मालूम है कि इसे चूसना है, उसे मालूम है कि इससे दूध निकलता है। कैसे? हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं हैं, वाइब्रेंट एनर्जी कहते हैं, जीवंत कोशिकाएं, जो ये अपने आप उसे बढ़ाती है अंदर ही अंदर। मेमोरी, कंपन ऊर्जा, जैसे हम लोग हमेशा से बोलते आ रहे हैं, जो अपने शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उसमें मेमोरी सेल्स रहती हैं, तो वो उसे वहाँ तक ले जाती हैं। और यही बात बाबा जी लोगों को सिद्धों के जरिए, सिद्ध महापुरुषों के जरिए बताते हैं। स्टेप 11 और स्टेप 12। स्टेप 11 में हम लोगों ने लिंग के बारे में देखा, जो अकेला है, जो मिलता नहीं है, रेल की पटरी की तरह वो सीधा चला जा रहा है। स्टेप 12 में हमने योनि को देखा, अर्थात लिंग और योनि। लिंग अकेला कुछ नहीं कर सकता, और योनि के संपर्क में आकर, योनि के सहयोग से, आलिंगन से वह हमारे देश को, जनसंख्या को, या कह सकते हैं कि उत्पादन प्रजनन की क्रिया को देता है। योनि दो है, जैसे हम लोगों ने इसकी व्याख्या स्टेप 12 में की है। योनि जो है वो क्रिएटिव है, अर्थात रचनाकार है, रचना करती है, सृजन करता है। बिना योनि के लिंग केवल लिंग ही है, वह सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। लेकिन योनि के संपर्क में आने के पश्चात प्रजनन की क्रिया बढ़ती है। लिंग साइलेंट रहते, हाईली कॉन्शियस, चेतना, अत्यधिक चेतना से भरा हुआ रहता है, और योनि उसके संपर्क में आते ही वह उत्पादन प्रजनन ये सब गुणित होकर एक्सपोनेंशियल, जैसा हम लोगों ने बताया था, बस वो बढ़ते जाता है। ना कि केवल मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जो पक्षी हैं, ये सब भी ऐसे ही बढ़ते हैं। सभी चीज़ के लिए फीमेल एनर्जी
और मेल एनर्जी का होना आवश्यक है। दोनों मिलकर ही आलिंगन के जरिए इस सृष्टि की रचना करते जाते हैं। ये सभी एक लेखा जोखा है, जैसे हमने स्टेप 12 में आपको बताया था। अब ये कहा जाए कि केवल रचना कुछ नहीं हो सकता। लिंग या योनि, लिंग और योनि रचना के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। सृजन या रचना केवल काफ़ी नहीं है। एक गाड़ी जो खड़ी है उसे चलने के लिए एक सड़क की आवश्यकता होती है, एक मार्ग की आवश्यकता होती है, एक पथ की आवश्यकता होती है, उसके ऊपर ही वो आगे बढ़ सकती है। दिशा निर्देश, मार्गदर्शक बल बहुत ज़रूरी है। बस इसी बारे में हम चर्चा करेंगे इस स्टेप 13 में। स्टेप 13 बहुत ही विशिष्ट है, जैसा कि हमने बताया आपको कि मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। स्टेप 13 एक और तीन, एक प्लस तीन नहीं, एक या एक के बाद तीन। तो क्या है, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक जो है वो सूर्य है और दो जो है वो चंद्रमा। सूर्य जो है वो मेल है और चंद्रमा जो है वो फीमेल। सूर्य फादर और चंद्र मदर, माता पिता। चंद्र जो है माता और सूर्य जो है पिता। सूर्य लिंग, चंद्र जो है वो योनि। सूर्य अग्नि, चंद्र जल। इस प्रकार हम लोगों ने इसे देखा है। अब तीन जो है वो ज्योतिष के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो तीन जो है वो गुरु को दर्शाता है। तीन मार्गदर्शक, शिक्षक और इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी में लिया जाए तो तीन जो है गुरु। बिना गुरु के, बिना माँ के कुछ नहीं हो सकता। बिना माता के हम इस दुनिया में नहीं आ सकते। हाँ, बिना माँ के बहुत लोग पल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लेकिन माँ जरूरी है। हम क्या बोलते हैं, माता पिता गुरु दैवम। दैवम जो है वो अंत में आता है, माता पिता। हालांकि पिता जो है वो पहले हैं, लेकिन हम लोगों को वो दूसरे नंबर पर दिखाई पड़ता है। माता जो जन्म देने वाली है, जो रचनाकार है, जिनके कारण ही हम इस दुनिया को देखते हैं। पश्चात पिता है और उसके पश्चात है गुरु, बीच में पिता। माता पिता के आलिंगन से, लिंग योनि के सहयोग से हम इस दुनिया को देख पाते हैं। अब देखा जाए तो माता पिता गुरु और दैवम वो ऊपर है, इस प्रकार अपन इसे देख सकते हैं। माता पिता गुरु और ऊपर है दैवम। गुरु के ऊपर दैवम है। गुरु जो है वो मार्गदर्शक हैं और बहुत ही विशिष्ट हैं। हमारे जीवन में उनका स्थान जो है वो बहुत ही विशिष्ट है। बिना गुरु के कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमारे जीवन में बहुत ही प्रधान स्थान, बहुत ही प्राधान्य रूप से, प्राधान्य पूर्वक स्थान ग्रहण कर लेते हैं। हमें रियलाइज़ करने के लिए, हमें हर चीज़ दिखाने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। मार्गदर्शन गुरु से आता है, या कह सकते हैं कि हमारे जीवन में गुरु की भूमिका बहुत ही प्रधान है। माता पहली गुरु है, इसमें कोई शक नहीं, और पिता जो है वो दूसरे गुरु। लेकिन जब बच्चा पहले स्कूल जाता है शुरुआत में, तो वो अपने गुरु से कुछ सीखता है, या कह सकते हैं कि हमारे जीवन में गुरु की भूमिका बहुत ही प्रधान है।
माता पिता से आगे आने के पश्चात जो बेसिक एजुकेशन कहा जा सकता है, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी समाजीकरण, ये सब हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। न कि केवल हमें इस दुनिया का ज्ञान, बल्कि दूसरी दुनिया का ज्ञान भी हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है। अब अगर हम पूछें दूसरी दुनिया कौन सी है, तो हम ये जान लें ये दूसरी दुनिया कौन सी है। आज का जो ये स्टेप 13 है, ये हमारे सभी गुरुओं को, टीचर को, लेक्चरर्स को, प्रोफेसर को, सबको समर्पित है। आज का ये जो स्टेप 13 है, ये हम उनके कमल रूपी चरणों में अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, हमारा समर्पण है उनके लिए। वैसे तो हमारे लाइफ में बहुत से गुरु हैं, नर्सरी के गुरु हैं, प्राइमरी स्कूल के गुरु हैं, मिडिल स्कूल के गुरु हैं, हाई स्कूल के गुरु हैं, और कॉलेज के गुरु हैं, प्रोफेसर हैं, सभी हमें इस दुनिया का ज्ञान देते हैं और साथ में दूसरे दुनिया का भी ज्ञान देते हैं। कुछ बातें जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हम एक इस समाज में रह रहे हैं, इस समाज में जी रहे हैं, इस समाज में जीने के लिए जो कुछ बातें होती हैं उसे जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जो हमें गुरुओं के द्वारा ही प्राप्त होता है। हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, हम तो इस दुनिया के आगंतुक हैं, या कह सकते हैं विजिटर, या फिर जैसे यात्री, या केवल दर्शक के रूप में हैं। हमारी दुनिया दूसरी है, हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो ये दुनिया हमें नाम देती, और जैसे ही हम चले जाते हैं नाम भी चला जाता है। ये दुनिया हमें शरीर देती है और पश्चात उसे भी वह ले लेती है। हम किसी दूसरी दुनिया से बिलोंग करते हैं, न कि हम इस अर्थ से या इस पृथ्वी से, लेकिन रचना इसी पृथ्वी में होती है। जैसे हमने बताया आपको कि यही पृथ्वी में आने के पश्चात हमारा नाम दिया जाता है, और पश्चात यह नाम हमारे जाने के बाद चला जाता है, और हमारे शरीर का आकार, स्वरूप यही पृथ्वी हमें देती है, और पश्चात यह भी चला जाता है एक दिन, और बस राख रह जाता है जो अग्नि में जल जाने के पश्चात केवल कुछ राख रह जाता है। हम बेनाम आते हैं और बस जाने के पश्चात सभी चला जाता है, और उस राख को पानी में बहा दिया जाता है, बहते पानी में बहा दिया जाता है, और ये पानी समुद्र में मिलता है, यहाँ से अग्नि देकर भेजा जाता है, और समझो मोक्ष। हाँ, अगर हम पास हो गए तो मोक्ष, जो हमारी दुनिया है, लेकिन अगर हम फेल हो गए तो वापस हमें किसी और आकार में, किसी और शरीर में यहाँ वापस भेज दिया जाता है। जैसे हमने स्टेप 12 में आपको बताया था कि देह मुक्ति विदेह मुक्ति, हम यहाँ आए हैं जिसे प्राप्त करने के लिए उसे हमारे जीवन रहते ही प्राप्त करना चाहिए। यही चर्चा हम करने जा रहे हैं, यही विषय है, यही चर्चा, ये गुरु कौन है। अगर पूछा जाए तो ये गुलाब का फूल गुरु है, बहुत से कलर धागों को लेकर अगर एक पिक्चर ड्रॉ किया जाए तो वो हमारे गुरु हैं, चाहे वो ही है या शी हो। अश्विन कुमार से पूछा जाए कि तुम्हारे गुरु कौन हैं, तो ये पेड़ पौधे हमारे गुरु हैं, ये जो गुलाब का फूल है ये हमारे गुरु हैं, ये रेनबो हमारे गुरु हैं, ये सूर्य हमारे गुरु हैं, ये चंद्र हमारे गुरु हैं, ये बरसात हमारा गुरु हैं, ये अग्नि, ये आकाश हमारे गुरु हैं, ये हवा हमारे गुरु हैं, अग्नि का जलना हमारे गुरु हैं। बस ऐसे ही कोई भी गुरु हो सकते हैं, कैसे भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन आप उनका चयन नहीं कर सकते हैं। आप कौन होते हैं गुरु का चयन करने वाले? गुरु आपका चयन करेंगे जब आप इस लायक हो जाएंगे कि
आपकी शिक्षा आपको चाहिए तो गुरु स्वयं आपको ढूंढ लेंगे और वो आपको अपने शिष्य के रूप में ले लेंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि अपने मन में कुछ रखे रहते हैं और सोचते हैं, हाँ ये एक व्यक्ति है जो मेरे सोचने के अनुसार बिल्कुल ठीक बैठेगा, अर्थात ये मेरे गुरु बन सकते हैं। आप कौन होते हैं? आप गुरु का चयन नहीं कर सकते। ऐसे सोचकर कोई भी अपना किसी को भी अपना गुरु बना सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और इस प्रकार का जो सोचता है वो कभी भी आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, कभी भी आध्यात्मिक की इच्छा पूर्ति भी वो पूरी तरह से नहीं कर सकता। हम कौन होते हैं गुरु का चयन करने वाले? जैसे एक सुंदर फूल है, एक स्वादिष्ट फल है, जब वो पेड़ में लगा रहता है और जैसे ही वह पकने लगता है, पकता है, उसकी सुंदरता को देखकर जो गिलहरी हैं या बंदर हैं या पक्षी हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे पहुंचते हैं उस तक। बस उसी प्रकार जब हम इस लायक हो जाते हैं कि हम कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तो गुरु स्वयं हमें हमारा चयन करते हैं। हमारे बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं जो लोग अपने आध्यात्मिकता का दावा करते हैं। हमारे ही ग्रुप में कुछ लोग हैं जो आध्यात्मिक का दावा करते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा एक बात का कि एक छोटी सी खरोच, एक छोटी सी बात जो आप उनको सुधारने के लिए या उनकी गलती को उभारने के लिए अगर आप कहते हैं तो बस वो तुरंत ही उस ग्रुप से हट जाते हैं। बस लेफ्ट, फलाना लेफ्ट, बस। ये आखिर आध्यात्मिक में कितनी दूर आ सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं। और फिर भी लोग शायद दूसरे गुरु को ढूंढे। गुरु को ये ढूंढते फिरना इनके जीवन को कुछ नहीं कर सकते वो अपने जीवन में। ये तो वही हो गया कि जैसे एक राजसी घरानों में जैसे कोई ना कोई पिंड डलते रहता है तो वहाँ के जो कौवे होते हैं वो आज इस महल में, कल उस महल में, फिर उसके बाद एक और महल में, बस वो इस प्रकार महल महल ढूंढते फिरते हैं और खाते फिरते हैं। तो ये वही हो गया ना। ऐसे ही लोग गुरु को छोड़कर जाएं, एक गुरु को छोड़कर जाएं और दूसरे गुरु को ढूंढें तो अपने जीवन में वो कुछ नहीं कर सकते। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे डीमोनिटाइजिंग कहा जाता है ना, जो एक रुपया को रद्द किया जाता है। जैसे कोई भी, अभी फ़िलहाल हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने भी किया था, आप लोग जानते हैं। तो वैसे ही अगर एक रुपया, जैसे हम उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि कोई एक रुपया का जो सिक्का है या फिर कोई नोट है, जैसे उसको रद्द किया जाता है तो वह कोई भी देश में कहीं भी नहीं चलता, वो रद्द रद्द ही है। उसी प्रकार लोग जो एक गुरु को त्याग देते हैं कि ये ठीक नहीं है या उनसे उनको बुरा लगा, तो फिर आगे वो क्या कर सकते हैं? वे अपने कंफर्ट के लिए, अपने सुविधाओं के लिए अगर वो गुरु को ढूंढते हैं तो वो कभी गुरु प्राप्त नहीं कर पाएंगे या आध्यात्मिकता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कह सकते हैं कि मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें अपने गुरु से कुछ अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कोई आशा नहीं करनी चाहिए। गुरु तो बस गुरु हैं, गुरु ऐसे होने चाहिए, गुरु वैसे होने चाहिए, हम कौन हैं सोचने वाले। गुरु जब हमारा चयन करते हैं, कितनी सूक्ष्म एक पॉइंट है गुरु भक्ति। जैसे अभी हमने बताया आपको कि वो गुरु भक्ति है जो किसी भी चीज़ को गुरु से कोई आशाएं ना करें, कोई अपेक्षा ना करें और बस उनके साथ रहें। ये गुरु भक्ति नहीं है कि उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो वो ठीक नहीं है, अगर वो इच्छा पूर्ण हो गई तो वो गुरु अच्छे हैं, ये नहीं हो सकता ना। गुरु सेवा जो है वो सबसे बड़ा अवसर है मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए। ये सबसे बड़ा अवसर होता है गुरु सेवा। गुरु जो हैं वो हमारी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, गुरु जो हैं वो हमारी आँखें खोलते हैं, गुरु जो हैं
वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। हमें उनकी उनसे कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे मन में काफ़ी प्रश्न रहते हैं, हो सकता है कि वो गुरु को लेकर ही कई प्रश्न रहे, लेकिन अगर हम समर्थ हैं, अगर हम सचमुच में गंभीरता से हैं, हम अपने गुरु को सच में मानते हैं, तो हम कभी अपने प्रश्नों को गुरु के समक्ष नहीं रखेंगे। गुरु हमारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही दे देंगे। अगर हम आंखें बंद कर मेडिटेशन के तौर पर, ध्यान के तौर पर, अगर हम आंखें बंद करते हैं और अपने प्रश्नों को वहाँ रखते हैं, तो वो आज नहीं तो कल हमें उस प्रश्नों के उत्तर हमारे मेल बॉक्स में आकर गिर जाएंगे। मेल बॉक्स से तात्पर्य आपके कंप्यूटर में नहीं, आपके शरीर में, आपके मन के अंदर, आपके अंदर ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आकर गिर जाते हैं। बस आप उन्हें समझना है, आप उन्हें देखना है, आपको अपने आप हर प्रश्नों के उत्तर उसमें मिलेंगे। आप बस सच्चे हृदय से उनकी सेवा करना है। कोई गुरु अपना राजसी सेवा नहीं चाहते, कोई ये नहीं चाहते कि उनकी राजसी सेवा किया जाए। बस उनके चरण कमलों में अगर हम बैठे रहें, उनके चरण कमलों में अगर हम ध्यान लगाएं, तो हमें हर वो चीज़ मिल सकती है जो हम चाहते हैं। सच्चे हृदय से अगर हम उनकी सेवा करते हैं, तो ये सब चीज़ संभव है। गुरु दक्षिणा बस यूं ही कुछ 100 रुपए के नोट या 10 रुपए के नोट ले जाके गुरुओं के पास रख दो, वो गुरु दक्षिणा नहीं होते। आपको हम एक बात बताएं कि जैसे हमारे ही ग्रुप में अभी जैसे हम लोग टूर गए हुए थे, बाबा जी के टूर जैसे हम लोग जाते रहते हैं, तो वहाँ कई लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के पश्चात जब कोई गुरु दक्षिणा देते हैं, तो उसका अपना एक अलग महत्व होता है, अपने एक देने का तरीका होता है। एक लेडी, हम नाम लेना पसंद नहीं करते, हम नहीं चाहते उनका नाम लेना, बस वो यूं ही आए और ला के 100 रुपए के नोट लाकर ऐसे ही गुरु के सामने, गुरु जी के सामने लीजिए दे रहे हैं। जब गुरु जी ने पूछा क्या है, तो कह रही कि ये गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा ऐसा नहीं दिया जाता, कहीं भी रोड में, कहीं भी बीच में ला के ऐसे हाथ में थमा दिए, ये गुरु दक्षिणा नहीं होता। गुरु जो है वो आपके बीते हुए कल को, आपके आने वाले कल को वो दिखाते हैं। गुरु वो लिंक हैं जो हमारे पहले जनरेशन को, पास्ट जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को उभारते हैं, हमें बताते हैं। जैसे आप एक माला लें जिसमें 108 बीट्स होते हैं, आप देखेंगे कि बीच में एक और होते हैं। जैसे हमने माला के बारे में जब बताया है, उस वीडियो में भी हमने डाला है कि वो क्या होता है, तो जो अंतिम का जो एक अलग से खड़ा रहता है वो है गुरु, उसे हम लोग गुरु कहते हैं। और बाकी जो है बीच में, अगर हम इसे तोड़ते हैं, तो ये 54 54 अलग अलग हो जाता है, 54 एक तरफ और 154 दूसरे तरफ। एक हमारा बीता हुआ और दूसरा है आने वाला, इसे गुरु प्रदर्शित करते हैं। हर एक बीट्स में मुख होते हैं, 4 मुख 8 मुख, जो दिशाओं को प्रदर्शित करता है। गुरु वो हैं जो एक लेज़र लाइट के समान बहुत गहराई में जाकर हमारी सुरक्षा करते हैं। गुरु चाहे अच्छे गुरु हों, या कहते हैं ना फेक गुरु हों, चाहे जो भी हो, कोई भी हो, लेकिन वो पैसे के लालची नहीं होते। गुरु करीब करीब 40, 50, 55, 60 ऐसे उम्र के होते हैं। गुरु अपने जीवन में हर कुछ पार करके यहाँ पहुँचते हैं, उनके अंदर कोई लालसा नहीं रहती। वो बहुत सी चीज़ों से गुजर गए रहते हैं, दुनिया की बहुत सी चीज़ों से वो गुजर गए रहते हैं। उन्हें मालूम रहता है कि उनका अंत बहुत समीप है,
अंत समीप हैं, वो किसी चीज़ की लालसा नहीं करते। अगर आप उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे देते हैं तो वो पैसे भी किसी कारण के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये उनकी लालसा नहीं रहती। किसी एक अच्छे कार्य के लिए, किसी कारण के लिए या किसी सही उद्देश्य के लिए उसका उपयोग उसमें होता है। बहुत से कम्युनिटी, बहुत से समुदाय, व्यक्ति विशेष के बारे में जो हम बिल्कुल भी याद नहीं रखते हैं, वो सब उस दक्षिणा से कार्यरत रहता है। जब हम हमारे पूर्वजों के पिंडों को कौए को देते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वज एक कौए के द्वार के जरिए हमारे पूर्वज तक हम पहुंचा रहे हैं, तो सही तौर पर तो ये है कि जो कौए हैं, सफाई का जरिया हम इसे कह सकते हैं, हमारे मानसिक सफाई का, हमारी आत्मा की सफाई का एक जरिया है। जैसे हमारे द्वारा दिए गए पिंड या जो भी खाना कौए खाते हैं और जब वे उसे मल मूत्र के द्वारा निकालते हैं तो वह किसी समुद्र में मिलता है या किसी नदी में मिलता है, उससे बीज बनता है, वह बीज किसी और किनारे में जाकर एक पेड़ का निर्माण करता है और ये पेड़ बढ़ते बढ़ते, वो पेड़, ये पेड़, इस प्रकार पेड़ों के बढ़ते हुए एक जंगल का निर्माण होता है और इस प्रकार जंगल, तालाब, बस सब चीज हम लोगों को दिखाई देते हैं। गुरु हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन कुछ अहंकार होता है जो मनुष्यों में रहता है। यह अहंकार किसी और के जरिए नहीं तोड़ा जा सकता। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इसका अहंकार तोड़ा, नहीं, बल्कि उस अहंकार को उसने बढ़ाया होगा, लेकिन तोड़ा नहीं। अहंकार स्वयं अपने को तोड़ना पड़ता है। केवल सीख लेना बड़ी बात नहीं है। आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो बहुत ही छोटी ही सी उम्र में उसने काफ़ी विद्याओं को प्राप्त किया। वह ग्रीस का राजा था। अलेक्जेंडर के गुरु, जो उन्होंने अपने हर विद्याओं को, एस्थेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, लिंग्विस्टिक, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, म्यूजिक, फिजिक्स, पोएट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, रेटोरिक, थिएटर, जुआलॉजी, सभी विषयों का ज्ञान गुरु ने उन्हें प्रदान किया था। इसके लिए छोटा सा एक हम उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं कि अलेक्जेंडर बहुत सी जगहों से जंग जीते और बहुत जगहों से जीतते हुए वो आगे बढ़े। सब चीज़ की प्राप्ति होने के बाद उसमें थोड़ा अहंकार आ गया था, लेकिन उस अहंकार को गुरु नहीं निकाल पाए, वो उन्हें स्वयं निकालना होगा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत चला जाए, हमारे इंडिया। और जब वो इंडिया आके रुके, उनके आने के पहले उन्होंने अपने एक दोस्त से पूछा कि मैं भारत जा रहा हूँ, हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तुम्हें वहाँ से कुछ चाहिए। वो लोगों का सोचना था कि हिंदुस्तान का मतलब है केवल संत, साधु, संत, फकीर, यहाँ क्या मिल सकता है। लेकिन उनके जो दोस्त थे, उन्होंने कहा कि वहाँ क्या मिलेगा, अगर हो सके तो एक फकीर को ले आओ। अलेक्जेंडर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे मैंने सोचा कि तुम आभूषण मांगोगे, बहुत से गहने, आभूषण या कोई और चीज़, बड़ी चीज़ें कुछ मांगोगे, और तुम कह रहे हो कि कुछ फ़कीर ले आओ। तो उनके दोस्त ने कहा, कुछ फ़कीर नहीं, एक फ़कीर लेकर आओ। अलेक्जेंडर हंसे और निकल गए। काफ़ी समय पश्चात जब वो हिंदुस्तान में, भारत में थे, तो वहाँ उनके जितने भी सैनिक थे, स्वाभाविक ही कई बहुत दिनों के पश्चात हो जाने के पश्चात उन्हें अपने घर की याद आने लगती है। तब अलेक्जेंडर ने सोचा, ठीक है, अब वापस चलते हैं। तब उन्हें याद आया कि उनके दोस्त ने कहा था
तब वो अपने एक मंत्री से कहते हैं कि जाकर किसी एक फकीर को लेकर आओ। उनके मंत्री जाते हैं, वो देखते हैं कि कहीं एक जहाँ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है वहाँ एक पैर पर एक फकीर खड़ा हुआ है। उसके शरीर पर ना तो कोई ढंग के कपड़े ही थे। वे लोग जाकर उनसे कहते हैं कि आओ, तुम्हें अलेक्जेंडर बुला रहे हैं। फकीर ने कहा कि कौन अलेक्जेंडर, मैं किसी अलेक्जेंडर को नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि वो राजा हैं और वे उन्होंने आपको बुलाया है। फकीर ने कहा कि तुम मुझे देख रहे हो कि मैं एक पैर पर खड़ा हूँ और मैं चलकर दोनों पैर से चलकर वहाँ नहीं आ सकता। अगर उन्हें कुछ काम है मुझसे तो वो स्वयं ही आए। अब ये मंत्री लोग आके अलेक्जेंडर से इस बात को कहे। पहले तो अलेक्जेंडर को बहुत गुस्सा आया कि मैं इतना बड़ा ग्रेट और मेरे बुलाने पर नहीं आ रहा है, ठीक है मैं ही यहाँ चलता हूँ। वो अपने आप पर कुछ काबू किए और वहाँ पहुँचे। उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, बस वो तो ना तो ढंग के कपड़े ही हैं उनके शरीर में। तो उसने कहा कि फकीर, तुम मेरे साथ मेरे देश चलो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, गहने जो आभूषण हैं, पैसे और यहाँ तक कि राज्य, सेवक सेविकाएं, हर कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे साथ मेरे देश चलो। फकीर हंस पड़े, कहने लगे कि मैं तो सब जगह हूँ, मैं तो तुम्हारे देश में भी हूँ, फिर तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मेरा तो ना घर है ना कुछ, मैं तो उस रेत के समान हूँ जो बच्चे लोग खेलने के लिए उसमें एक घर बनाते हैं और जाने के समय उसे बिगाड़ कर चले जाते हैं। जब अलेक्जेंडर गुस्सा आकर जब उसने तलवार निकाला तब फकीर ने कहा कि मैं तो उस रेत के समान हूँ, तुम उस रेत को क्या काटोगे, वो तो खुद टुकड़े टुकड़े में है। तो इस प्रकार अलेक्जेंडर को कुछ समझ आया, तुम उस रेत को मारने जा रहे हो। अलेक्जेंडर बहुत ही शर्मिंदा हो गया, उसकी आँखें झुक गई, उसके सारे अहंकार चले गए, सचमुच में वो एक संत थे। तो अगर हम ये कहें कि अहंकार किसी के जरिए टूट रहा है, नहीं, उन्हें खुद इस बात को समझ सके, वो इस बात का रियलाइज़ हुआ उनको कि हाँ ये देश क्या है, ये शरीर क्या है, हम क्या हैं। तो देखिए गुरु जो हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार आंखें बंद करके बैठने से बहुत से संदेश अपने आप आने लगते हैं, अपने आप आकर गिरने लगते हैं। गुरु दक्षिणा का अपना ही अलग मूल्य होता है, आध्यात्मिक जागृति का होता है। गुरु के लिए कोई निर्देश, कोई नियम नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ कोई आते हैं, आगंतुक पहुँचते हैं तो उनका अपना एक नियम जैसे होता है कि वे लोग पहले ही हमें बताते हैं कि हम आ रहे हैं, फिर उसके बाद वे लोग आते हैं, घर आते हैं तो वे लोग चप्पल बाहर निकालते हैं, पैर धोते हैं, वे लोग अंदर आते हैं, कुछ समय के लिए बात करते हैं, उसके पश्चात वो चले जाते हैं। तो वो अपना एक एक नियम होता है, लेकिन जो माता पिता हैं उनके लिए कोई भी नियम लागू नहीं होता, उनका कोई नियम नहीं है उनके लिए। सिद्ध लोग जो हैं वो अपनी ही भाषा बात करते हैं, उनकी अपनी भाषा होती है, सीक्रेट कोड, इसे संध्या संभाषण भी कहते हैं। ये एक मिराकल, एक चमत्कार। स्टेप 13, एक के बाद 3 और 3 गुरु, माता पिता गुरु। गुरु दक्षिणा, गुरु साक्षात ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये केवल श्लोक ही नहीं, ये केवल मंत्र ही नहीं, ये केवल वाक्य ही नहीं, यह उतना ही सच है जितना ये संसार है। बस गुरु को आप फूल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो,
नमस्कार कर दो, ये काफ़ी नहीं है। और फिर जब वो ना जमे तो लोग कहते हैं, हमने कई लोगों से ये सुना है कि ये हमारे भूत गुरु हैं, मतलब पास्ट गुरु हैं। तो ये क्या मतलब है इसका? क्या आपके भूत माता हैं, या कि जैसे ये हमारी भूत माता है, मतलब पास्ट माँ है, या कोई भूत पिता है, या कोई भूत भगवान है? नहीं ना, बस इसे इग्नोरेंस कहा जा सकता है। और जो गुरु हैं वो इस इग्नोरेंस को बाहर निकालते हैं। और स्टेप 13, रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस, यही इसका मुख्य है। और यही इसे बाहर करने में गुरु के लिए ही संभव है। गुरु उस टॉर्च लाइट के समान होते हैं, गुरु उस प्रकाश के समान होते हैं जो हमारे आँखें खोल देते हैं। हम लोग ये भी कहते हैं ना कि गुरु उस दिए के समान है जो स्वयं जलकर लोगों को प्रकाशित करती है। ये भी सच है। और इस प्रकार आगे आज यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। आगे स्टेप 14 में इससे भी और कुछ आगे आएगा जो हम देखेंगे। स्टेप 14 April 10, 2021 को अपलोड होगा, शायद, जैसा हम हमेशा कहते हैं। और इस बीच हम लोग बाबा जी के ओ जा रहे हैं, बाबा जी गुफा। आप सभी लोग की प्रार्थनाओं को लेते हुए, सब की इच्छाओं को अंदर रखते हुए हम लोग जाएंगे। और पूरा विश्वास है कि सभी को सब कुछ प्राप्त होगा। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। नमस्ते।